माय नेम इज रंजना और यह वर्चुअल ब्रेडबोर्ड का थर्ड वीडियो है और यहाँ पे हम सीखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे हमें प्लेस करना चाहिए ब्रेडबोर्ड पे ताकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट कम हो जाए और हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आए और कोई भी प्रॉब्लम सर्किट में ना हो। सो लेट्स बिगिन। यह हमारा वर्चुअल ब्रेडबोर्ड का सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे न्यू और ओपन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रेडबोर्ड का लेआउट मिल जाएगा और आप इसको नहीं चाहते तो इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा लेआउट आ जाती है तो जस्ट यहाँ पे इसको बीच में छोड़ दें। अगर आपको जूम करना है तो जूम कर लीजिए, जूम इन कर सकते हैं, जूम कम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको इस LED को यहाँ पे प्लेस करना है तो प्लेस कर दीजिए। आपको इस ओरिएंटेशन में अच्छा नहीं लग रहा तो इसके डायरेक्शन चेंज कर लीजिए या पहले जैसा ही है, ये मुझे ऐसे ही सही लग रहा है। और उसके बाद मुझे रजिस्टर, जैसे रजिस्टर की सबसे अच्छी बात होती है इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती है तो आप इसको कहीं भी रखें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं और इसको भी डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट जो भी रोटेशन आपको चाहिए कर सी लीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो न्यू जो स्टूडेंट जो जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है ब्रेडबोर्ड को, अक्सर वो जो ICs होती हैं वो गलत फिट कर देते हैं, तो इस चीज़ का केयरफुल रखें। आप अक्सर बीच में ही रखें, यहाँ पे रखें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यहाँ पे इंटरनली वायरिंग करनी पड़ेगी जिससे सर्किट कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और यहाँ पे आप बीच में इसको फिट कीजिए। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल रजिस्टर है, आप वेरिएबल रजिस्टर भी कहीं आप फिट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, ये अक्सर साइड में ही पुट करना ज़्यादा सही रहता है। और वेरिएबल रजिस्टर से तो आप सभी परिचित होंगे। आप इसका एप्लीकेशन मैं एक बताना चाहूँगी, जो आपके घरों में फ़ैन होती हैं आप उसको कम ज़्यादा करते हैं उसके अंदर एक रेगुलेटर रेगुलेटर जैसे वो काम करता है, तो उसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं जिसके वजह से हम लोग रजिस्टर की वैल्यू कम ज़्यादा करने की वजह से फ़ैन कंट्रोल होता है, फ़ैन उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर ये वेरिएबल रजिस्टर लगे होते हैं। और कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर भी आप जहाँ लगाना चाहें लगा सकते हैं। और इसमें पोलैरिटी यहाँ पे ये नेगेटिव साइड है, ये जो यहाँ पे जो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइड वैसे लिख दिया है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और कैपेसिटर भी बहुत तरह के होते हैं और अपकमिंग वीडियो में बता दूँगी कैपेसिटर को कैसे पहचाने, उसकी वैल्यू कैसे निकालें। और ऐसे ही ये हमारा पे NPN PNP ट्रांजिस्टर हो गए, ये ट्रांजिस्टर को कंप्लीट कहीं भी लगा सकते हैं। और ये हमारा पुश बटन है, ये पुश बटन तो अक्सर आपने देखा होगा, ये स्विच जैसे काम करता है। और यहाँ अक्सर आपने जब भी Arduino आपने देखा होगा, Arduino एक सॉफ्टवेयर होती है, Arduino का सॉफ्टवेयर भी आता है, Arduino एक हार्डवेयर भी है, उसमें ये हार्डवेयर पार्ट में ये लगा होता है। और ऐसे ही यहाँ पे हम बहुत सारे कंपोनेंट है, आप यूज़ करते करते आपको आ जाएगी। और ये हमारा 7-segment डिस्प्ले है, इसको कहीं फिट कर दीजिए जहाँ आपको लगे सूटेबल। जैसे इसकी मैं एक काम करते हैं, इसको पोजीशन चेंज कर देते हैं और इसको यहाँ पे लगा लिया। और ये 7-segment डिस्प्ले है, आप इसके बारे में अवेयर होंगे। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जो भी आप देखते हैं वहाँ पे टाइमिंग लिखी होती है, इसके अंदर यही होता है। ये 8 इसलिए लिखा होता है कि इस 8 से हम 1 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, ये इससे कोई भी डिजिट बन सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 7-segment डिस्प्ले प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा यूज होता है। और बाकी सब सिंपल हैं। और ये हमारा मोटर है, एक काम करते हैं इसको, इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं ताकि इसकी भी पोजीशन हम लोग ज़्यादा हमें दिक्कत, इसकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया,
इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इसकी डायरेक्शन मैंने ऐसे इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे हमें ये ऐसे ही ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे सप्लाई देनी होगी। जैसे मान लीजिए वायर आपको लगाना है, तो आप यहाँ से वायर आपके इससे जोड़ेंगे तो ऐसे, तो इसलिए क्योंकि हमें इसमें सप्लाई देनी है तो इसलिए यहाँ इसको लगाना ज़्यादा ही सूटेबल होगा। यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, अब ये सही से फिट नहीं हुआ तो इसको थोड़ा और आगे ले जाइए। ऐसे इसको हम वायरिंग कर देते हैं, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद ये हमारा एलडीआर है। एलडीआर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एलडीआर एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, और जब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जो सोलर लाइट होती हैं, जो आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट हो जाएंगी, अपने आप ही लाइट रात में चालू हो जाता है, तो उसके अंदर एलडीआर होता है। वो डार्कनेस पे डिपेंड करता है, और जैसे डार्कनेस बढ़ती है तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो हमारे ऑटोमेटिक लाइट जलने लगता है। तो ये सारे कंपोनेंट के बारे में हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए सर्किट के साथ आएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉय दिस वीडियो।